आरएस भाटी की पुलिस लगातार अपराधियों के छक्के छुड़ा रही है। वहीं ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां जिले के अहियापुर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चर्चित राजा ठाकुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी समेत पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा कर दिया। दरअसल अहियापुर थानेदार अरुण कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि राजा ठाकुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजीत राय अपने गुर्गों के साथ नजीरपुर बांध के पास हनुमान मंदिर के पास बैठकर अपराध की योजना बना रहा है। पुलिस ने इलाके का घेराबंदी कर संजीव समेत 3 अपराधियों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर इन तीनों के पास से हथियार और स्मैक भी बरामद किया गया। पुलिस पकड़े गए अपराधियों की पहचान अहियापुर के जियालाल चौक निवासी संजीत राय, अखरा घाट रोड के रंजीत कुमार और नजीरपुर के आयुष झा उर्फ सन्नी के रूप में हुई। पुलिस ने इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा गोली, 37 पुड़िया स्मैक और 1 बाइक बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अहियापुर थानेदार अरुण कुमार ने बताया कि ये तीनों पेशेवर अपराधी हैं। इन सभी का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि इन तीनों से पूछताछ में और कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। कल सूचना मिली थी संध्या में हमारे गश्ती पार्टी को, एसआई दीपक कुमार थे गश्ती में, और सूचना मिली थी कि राजा ठाकुर मर्डर केस का जो एक्यूज है, सो नाजीपुर बांध के पास कुछ साथियों के साथ देखा गया है। इस सूचना पर जो है सो एसटीएफ बल के साथ उन्होंने उस नाजीपुर बांध पर जो है छापेमारी किया। मोटरसाइकिल के साथ जो है 3 व्यक्ति पकड़े गए, जिसमें एक साजन कुमार उर्फ साजन राय, संजीत राय उर्फ साजन, संजीत कुमार उर्फ संजीत राय, दूसरा जो है आयुष झा और तीसरा रंजीत राय। तीनों जो है सो गिरफ्तार हुआ, पकड़ा गया तीनों को। संजीत राय के पास से जो है 1 देसी कट्टा लोडेड, जिसमें 0.315 का कारतूस जिंदा लगा हुआ था, 1 अलावे उसके आप कारतूस बरामद हुआ, और उसके पास से स्मैक भी बरामद हुआ है, जो करीब जो है सो 6.30 ग्राम है, और 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल प्लस 1 मोबाइल 1 संजीत राय के पास से बरामद हुआ। दूसरा रंजीत राय के पास से जो है सो 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है 0.315 बोर का, और स्मैक भी बरामद हुआ है 4.50 ग्राम। इन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या पहले? और 1 आयुष जहाँ है उसके पास से भी आपका स्मैक बरामद हुआ है 3.60 ग्राम। ये जो आपका संजीत राय है सो ये मर्डर केस में था ही, राजा ठाकुर हत्याकांड में था, उसके अलावा उस पर 3-4 केस है अहियापुर थाने में, जिसमें 307 का है, 27 आरमसेक का है, और ये जो रंजीत राय है उस पर भी 2 केस है, गायघाट थाने का केस है, और 1 अहियापुर से दारू में पकड़ाया था, शराब केस में पकड़ाया था। और ये लड़का जो है इसके बारे में आई उसके बारे में हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि इसमें और किस कोई कांड में संलिप्त है पहले से कि नहीं है, चाहे किसी कोई कांड है कि नहीं है।